हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू दिस इंग्लिश लेसन। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द लास्ट लेसन। इट इज रिटन बाय अल्फोंस टॉडी। जैसे कि हमें टाइटल से ही पता चल रहा है द लास्ट लेसन, तो ये जो कहानी है ये किसी आखिरी लेसन की कहानी है। किस लेसन की कहानी है, किसकी कहानी है, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। Now let us have a look at the topics which we'll cover here. First of all, about the author. हम इस story के author की थोड़ी introduction लेंगे, उसके बाद story का एक background देखेंगे कि author का ये story लिखने के पीछे क्या कारण है। Then we'll see the explanation of the story. हम story को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी explanation देखेंगे। उसके बाद story की summary आएगी and then important question and answers from the chapter. So first of all, about the author. He is Alphonse Daudet. He was born in the year 1840 in France and he died in the year 1897. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने फ्रेंच में ही अपनी बुक्स लिखी हैं। इन्होंने नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। Formerly a school teacher, he quit it to make a living as a journalist in Paris. अपने करियर की शुरुआत में अल्फोंस एक स्कूल टीचर थे। इन्होंने इस काम को छोड़ दिया और पेरिस में एक जर्नलिस्ट यानी के पत्रकार का काम करने लग गए। He took to writing his poems collected into a volume called Les Amores. ये आप उस बुक का कवर भी देख सकते हैं। अल्फोंस द्वारा लिखी गई पोएम्स की कलेक्शन है और उस बुक का नाम है ले अमोरे। नाउ लेट अस सी अ बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर द लास्ट लेसन। बैकग्राउंड में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कब की कहानी है, ये कहानी की बैकग्राउंड क्या है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये स्टोरी लिखने के पीछे राइटर का क्या उद्देश्य है, वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। The story is set during the Franco-Prussian War in the years of 1870-71. तो ये स्टोरी की सेटिंग क्या है, किस समय की कहानी है ये? 1870-71 यानी कि बहुत ही पुराने समय की कहानी है और तब Franco-Prussian War हुई थी। Now what is Franco-Prussian War? फ्रांस और प्रशिया नामक देशों के बीच में एक युद्ध हुआ था। प्रशिया जिसे आज की डेट में हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। तो फ्रांस और प्रशिया के बीच में इन द इयर्स 1870-71 एक युद्ध हुआ था। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो प्रशियन आर्मी के जो लीडर थे वो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिनकी फोटो यहां पर आप देख सकते हैं। इनके लीडरशिप में प्रशिया ने फ्रांस को इस वॉर में हरा दिया था। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन वर ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी, दैट इज प्रशिया। अभी मैं आपको बता के चुकी हूं कि जर्मनी का पुराना नाम प्रशिया है और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रशिया को आज की डेट में जर्मनी के नाम से जाना जाता है। जब जर्मनी ने फ्रांस को वॉर में हरा दिया तो जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सास एंड लोरेन, उन पर कब्जा कर लिया। आप यहाँ पर मैप देखिए, ये जर्मनी है और ये है फ्रांस। ये जो रेड कलर्ड पोर्शन है ये है वो दो डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास और लोरेन। इस एरिया पर जर्मन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था। जर्मन लैंग्वेज एंड नॉट फ्रेंच वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। साथ ही साथ जर्मन सरकार ने ये ऑर्डर्स जारी कर दिए थे कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन में जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और उसकी जगह पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस ऑर्डर का इस डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा, क्योंकि अब वो अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा फ्रेंच को नहीं सीख सकते थे। उन्हें फ्रेंच सीखना अलाउड नहीं था।
This story is of a young boy, France. अब ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, इसके नरेटर कौन है? एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है फ्रांस। वो हमें ये कहानी सुना रहा है। He tells us about his French teacher, Mr. Hamel's last lesson in their school. वो हमें बता रहा है कि जैसे कि ऑर्डर्स आ गए थे कि अब से एल्सास और लोरेन में फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, तो उनके फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल का आखिरी लेसन है उनके स्कूल में। अब वो उन्हें लास्ट टाइम फ्रेंच पढ़ा रहे हैं और उस क्लास के दौरान जो कुछ भी होता है वो सब इस स्टोरी में फ्रांस हमें बता रहा है। नाउ फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन देयर स्कूल। अब उनके स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी क्योंकि वो लोग एल्सास में रहते हैं और जर्मन सरकार के ऑर्डर के मुताबिक अब एल्सास और लोरेन के स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी। उसकी जगह पर उन्हें जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एज फ्रेंच इज देयर मदर टंग, मिस्टर हैमल टेल्स देम द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। इस कहानी में हमें राइटर ये बता रहे हैं कि हमारी मदर टंग, हमारी मातृभाषा की क्या इम्पोर्टेंस है। वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी मातृभाषा सीखनी और अच्छे से आनी बहुत जरूरी है। He asks them to guard it, as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. Mr. Hamel अपनी क्लास को क्या कहते हैं? तुम सब अपनी लैंग्वेज की रक्षा करो, कभी भी अपनी लैंग्वेज को छोड़ना मत, क्योंकि अपनी लैंग्वेज के पास रहना एक ऐसा रास्ता है किसी की भी स्लेवरी से मुक्त होने का। अगर कभी भी तुम्हें लाइफ में ऐसा मौका आए कि कोई इंसान तुम्हें ओवरपावर करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें अपना नौकर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे बचने का क्या तरीका है कि तुम अपनी लैंग्वेज को कभी भी ना छोड़ो। ये गाइडेंस मिस्टर हैमल अपनी क्लास को देते हैं। The theme of the story is the pain that is inflicted on the people of a territory by its conquerors by taking away the right to study or speak their own language. So what is the main theme? What is the main message of this story? इस कहानी में राइटर हमें क्या संदेश दे रहे हैं? कि अगर किसी जगह के रहने वालों से अपनी मातृभाषा पढ़ने का और सीखने का हक छीन लिया जाए तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, और यही दुख इस कहानी में झलकाया गया है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द एटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग रिस्पेक्टिवली। इस कहानी में एक और चीज हाईलाइट की गई है, वो क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई लिखाई के मामले को बहुत लीनियंट लेते हैं। They are not at all serious towards learning. और फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब लास्ट लेसन आ जाता है, यानी कि किसी भी चीज को सीखने का मौका खत्म हो जाता है, और उसके बाद सब स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि हमें सही समय पर पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए थी। तो इस कहानी में राइटर हम सारे स्टूडेंट्स को ये संदेश दे रहे हैं कि आपको अपनी पढ़ाई की तरफ सीरियस होना चाहिए और सही वक्त पर चीजों को सीख लेना चाहिए, उन्हें पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। और यही संदेश राइटर टीचर्स को भी दे रहे हैं कि उन्हें अपने स्टूडेंट्स को सिंसियरली पढ़ाना चाहिए। अब हम स्टोरी को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। So let us begin reading the story, The Last Lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. सबसे पहले देखते हैं कहानी का जो फर्स्ट वर्ड है आई। आई कौन है? फ्रांस। हमारी कहानी का नरेटर एक छोटा सा बच्चा, अ स्कूल गोइंग बॉय। एंड व्हाट डज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन? इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब है इन फियर ऑफ, किसी चीज का डर होना।
And what does he mean by I did not know the first word about them? It means मुझे कुछ भी नहीं आता था. I knew nothing. तो इस कहानी में first sentence में फ्रांस हमें क्या बता रहा है? वो कहता है कि I started for school very late that morning. और अगर हम स्कूल के लिए लेट होते हैं तो क्या होता है? हमें डर लग रहा होता है क्योंकि हमें डांट पड़ेगी स्कूल पे लेट पहुंचने के लिए. टीचर्स और हो सकता है प्रिंसिपल भी हमें पकड़ लें और हमें गुस्सा करें. तो यही हालत फ्रेंड्स की भी हो रही थी. वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट था. फिर वो कहता है स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स क्या है? ये ग्रामर का टॉपिक है. इंग्लिश ग्रामर में भी पार्टिसिपल्स का टॉपिक है. ऐसे ही हो सकता है फ्रेंच की ग्रामर में भी पार्टिसिपल्स का टॉपिक हो. तो फ्रांस ये कह रहा है कि उसे ज्यादा डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि एक दिन पहले उनके टीचर एम हैमल ने अनाउंसमेंट की थी कि वो पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेंगे. और फ्रांस को पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था. फ्रांस ये कह रहा है कि उसे पार्टिसिपल्स का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता था. तो फ्रांस के डरने के दो रीजंस थे. एक तो वो स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट था और दूसरा जिस टॉपिक का टेस्ट था पार्टिसिपल्स का उसे वो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता था. तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो स्कूल जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. जब आप इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं तो आपको माइंड में क्या ख्याल आता है कि पढ़ाई लिखाई से अच्छा है बाहर जाता हूं, ओपन में अपना दिन एंजॉय करता हूं, स्कूल जाता ही नहीं हूं. ऐसा ही ख्याल फ्रांस के मन में भी आया. उसने सोचा कि मुझे यहां से भाग जाना चाहिए और बाहर अपना दिन अच्छे से बिताना चाहिए. फिर वो कहता है बाहर की डिस्क्रिप्शन क्या थी, क्या मौसम था बाहर का, क्या सीन था. इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट. वो कह रहा है कि बाहर एक बहुत ही वार्म और सनी डे था, धूप निकली हुई थी. अब हमें लगेगा कि यार बाहर इतनी गर्मी है, धूप निकली हुई है, तो हम लोग तो बिल्कुल भी बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे देश में इंडिया में मौसम क्या है, गर्म है, हॉट वेदर रहता है, इसलिए हमें हमेशा ठंडी जगह पर जाना अच्छा लगता है. लेकिन फ्रांस कहाँ का रहने वाला है? वो फ्रांस का रहने वाला है. फ्रांस का मौसम कैसा रहता है? बहुत ठंडा होता है, वहां बहुत ठंड होती है, इसलिए जिस दिन वहां पर धूप निकली हो और बाहर थोड़ा वार्म वेदर हो लोगों को वो अच्छा लगता है. तभी फ्रांस ये कहता है कि बाहर बहुत वार्म और ब्राइट दिन था इसलिए उसने सोचा कि उसे बाहर ही घूमते रहना चाहिए. फिर वो बाहर का नजारा बता रहा है. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. Drilling means exercising. What is a sawmill? लकड़ी को काटने की जो फैक्ट्री होती है, मिल होती है, उसे sawmill कहा जाता है. अब हमें सबको पता है कि जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, जवान होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं. उनका एक फिक्स शेड्यूल होता है एक्सरसाइज करने का. तो ऐसे ही जो प्रशिया के सोल्जर्स थे जिन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया था उनकी एक्सरसाइज करने की आवाजें आ रही थी. तो फ्रांस हमें बाहर का नजारा बता रहा है. वो कहता है कि बाहर पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी और सॉमिल के पीछे जो खुले मैदान थे वहां से प्रशिया के सोल्जर्स के एक्सरसाइज करने की आवाजें आ रही थी. अब हम सोचेंगे क्या एक्सरसाइज करते हुए आवाज किस बात की आएगी, एक्सरसाइज तो हम चुप करके करते हैं. तो आपने कभी सुना होगा जब आर्मी के सोल्जर्स एक्सरसाइज करते हैं तो साथ में क्या होता है, ड्रम बीट्स. ड्रम बीट्स पे वो एक्सरसाइज करते हैं, ढम ढम ऐसे ड्रम बजता है और उसके अकॉर्डिंगली वो लोग एक्सरसाइज करते हैं. और साथ ही साथ जो उनका लीडर होता है वो बार बार अनाउंसमेंट भी करता रहता है कि अब उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी है. तो ऐसी आवाजें वहां से आ रही थी. तो इसमें हमने ये पढ़ा कि
फ्रांस ने ये सोचा कि उसे बाहर जाकर खुले में आज का दिन बिताना चाहिए और फिर वो हमें डिस्क्रिप्शन देता है बाहर की। वो कहता है बाहर बहुत धूप निकली हुई थी और बहुत ही ब्राइट दिन था। पेड़ों पे चिड़िया के चहकने की आवाजें आ रही थी और 100 मील के पीछे से प्रशियन सोल्जर्स के एक्सरसाइज करने की आवाजें आ रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट I had the strength to resist and hurried off to school. Tempting का मतलब है attracting, कोई चीज जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है. Resist means to stay away from something, किसी चीज से दूर रहने की शक्ति होना. फ्रांस ये कहता है कि बाहर का नजारा बहुत अच्छा था, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और उसे ये लग रहा था कि क्लास में जाके पार्टिसिपल्स का बोरिंग टॉपिक पढ़ने से ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं। लेकिन फ्रांस कहता है कि उसमें इतनी ताकत थी कि वो इन सब चीजों से दूर रहे, इसलिए एक बार फिर से उसने जल्दी से स्कूल की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो फाइनली फ्रांस ने क्या डिसाइड किया कि वो अपना दिन बाहर नहीं बिताएगा, वो स्कूल जाकर ही अपनी क्लास अटेंड करेगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब टाउन हॉल क्या है? ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, एक सरकारी बिल्डिंग। तो जब फ्रांस अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, उसने इस बिल्डिंग को, टाउन हॉल को क्रॉस किया और उसने क्या देखा? टाउन हॉल की दीवार पे जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड जैसे आपके स्कूल में भी लगा होता है ऑफिस के बाहर, उस नोटिस बोर्ड के आसपास एक लोगों का झुंड इकट्ठा हुआ हुआ है। यानी कि हो सकता है इस बुलेटिन बोर्ड पे कोई नई न्यूज लगी हो, कोई नई इंफॉर्मेशन लगी हो जिसे पढ़ने के लिए इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कहता है कि पिछले 2 साल से जितनी भी न्यूज, और वो न्यूज कैसी थी? बैड न्यूज, बुरी खबर। कैसी सी बुरी खबर? उनके एरिया पे जर्मन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया, फ्रांस को जर्मनी ने हरा दिया, कितने सारे ऑर्डर्स आए, वो सारी इंफॉर्मेशन इस बुलेटिन बोर्ड पर ही लगाई जाती थी और यहीं से इन सब लोगों को ये सारी खबर मिलती थी। और इसी वजह से उसने सोचा बिना रुके वो अपने स्कूल की तरफ चलता भी जा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट है, और वो साथ में ये चीज सोच रहा है कि पता नहीं अब ऐसी क्या खबर होगी जो कि बुलेटिन बोर्ड पर लगी है, जिसे पढ़ने के लिए इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। Then, as I hurried by, as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." What is a blacksmith? जिसे हम लोहारा भी कहते हैं, जो इंसान लोहे को, आयरन को मेल्ट करके उसकी अलग अलग चीजें बनाता है। He is called a blacksmith. इस blacksmith का नाम था watcher. Who is an apprentice? Apprentice is a trainee. एक ऐसा आदमी जो कि काम सीख रहा है अपने बॉस के साथ काम करके, उसे हम कहते हैं अप्रेंटिस या ट्रेनी, वो ट्रेनिंग ले रहा होता है। तो जैसे ही फ्रांस अपने स्कूल की तरफ बहुत तेज तेज चलकर जा रहा था, पीछे से इस ब्लैकस्मिथ वॉचर ने उसे आवाज लगाई। वो भी वहां पर अपने ट्रेनी के साथ आया हुआ था और वो बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई न्यूज को पढ़ रहा था, और उसने फ्रांस को कहा कि इतनी जल्दी मत जाओ बब। बब एक निकनेम है, एक प्यार भरा तरीका है बच्चों को बुलाने का। तो वो फ्रेंड्स को कहता है कि इतनी जल्दी मत जाओ बब, तुम अपने स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हैरान होता है कि एक तो मैं लेट हो रहा हूं, लगता है ये मेरी लेग पुलिंग कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है ऐसा कह के, क्योंकि ऑल्दो वो लेट है
ये ब्लैकस्मिथ उसे कहता है कि तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगे, इतनी जल्दी मत करो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। जब इस ब्लैकस्मिथ ने ऐसा कहा फ्रेंड्स को, तो फ्रेंड्स को ये लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, और फ्रेंड्स इतनी तेज तेज चल के स्कूल पहुंचा कि जब वो एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा, छोटा सा गार्डन जो कि एम हैमल ने स्कूल के बाहर बनाया हुआ था, तो कह रहा है कि जब वो वहां पर पहुंचा उसकी सांस बिल्कुल फूल चुकी थी, वो इतना तेज तेज चल के गया था कि उसका सांस भी ठीक से नहीं आ रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table. A great bustle means a lot of noise created by many people. जब बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर बोलते हैं कितना ज्यादा शोर हो जाएगा, और इस शोर को हम बसल कहते हैं। Unison means at the same time. जैसे क्लास में सारे बच्चे जब एक ही सेंटेंस को या एक ही लेसन को पढ़ते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिसन। सब लोग एक ही बात को सेम टाइम पर रिपीट कर रहे हैं। रैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग, हिटिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें बता रहा है कि जब उसका स्कूल शुरू होता था सुबह में मॉर्निंग के टाइम पे, तो वहां का सीन कैसा होता था। वो कहता है कि हर रोज जब स्कूल शुरू होता था सुबह, तो वहां पर बहुत ज्यादा शोर होता था, और ये शोर बाहर सड़क पर भी सुनाई देता था। फिर वो बताता है कि किस तरह का शोर होता था। डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाजें आती थी। सब बच्चे जो कि लेसन रिपीट कर रहे होते थे जोर जोर से बोलकर, उनकी आवाजें आती थी। और जो बच्चे हैं वो कैसे रिपीट करते थे लेसन्स? वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से बोलते थे, और अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखते थे ताकि वो अच्छे से याद कर सके। अब ये एक तरीका है पढ़ने का, ये जो फ्रांस कह रहा है विद आवर हैंड्स ओवर आवर इयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। वो ये कह रहा है कि जब वो लोग पढ़ते थे और जोर जोर से अपने लेसन को बोलते थे, तो वो अपने कानों पे हाथ रख लेते थे ताकि वो ध्यान लगा सकें कि वो क्या बोल रहे हैं, और कंसंट्रेशन से लेसन को जोर जोर से बोल सके ताकि वो उसे याद कर सके। ये एक लर्न करने का तरीका है। और फिर वो कहता है जब बच्चे ऐसे कर रहे होते थे, तो टीचर क्या कर रहा होता था? वो अपने बड़े से रूलर को लेकर टेबल के ऊपर जोर जोर से स्ट्राइक कर रहा होता था, ठा ठा ठा। तो ये एक और आवाज हो गई। तो तीन तरह की आवाजें थी जो कि सुबह के समय स्ट्रीट पर खड़े होके कोई भी सुन सकता था, और वो स्कूल से आती थी। पहली आवाज थी डेस्क के खुलने बंद होने की, दूसरी आवाज थी स्टूडेंट्स की जो कि जोर जोर से लेसन को बोलते थे, और तीसरी आवाज थी टीचर के रूलर की जो कि जोर जोर से टेबल पर हिट हो रहा होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। फ्रेंड्स कहता है कि आज सुबह जब मैं स्कूल पहुंचा, तो सब कुछ कितना शांत है, स्टिल है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है स्कूल में। तो ये चीज बहुत ज्यादा अजीब है, स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, हर रोज के सीन से बहुत ज्यादा फर्क है। आई हैड काउंटेड अपॉन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। काउंटेड ऑन का मतलब है डिपेंडेंट अपॉन समथिंग, किसी चीज को अपनी एक एडवांटेज समझ के उस पर भरोसा करना, और ये सोचना कि हाँ इस चीज को मैं अपने फायदे के लिए यूज कर सकता हूं। कमोशन मीन्स नॉइज एंड कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा शोर होना और सब चीजें डिसऑर्गेनाइज्ड होना, कंफ्यूजन होना।
तो फ्रेंड्स ये कहता है कि उसने अपने मन में ये सोचा था कि सुबह के समय इतनी ज्यादा जो शोर होता है और कंफ्यूजन का माहौल होता है स्कूल में, उसका मैं फायदा उठाऊंगा और हालांकि मैं लेट हूं, मैं चुपचाप अपने डेस्क तक, अपनी सीट तक पहुंच जाऊंगा और कोई मुझे देखेगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं लेट आया हूं। लेकिन वो कहता है कि वो दिन तो बहुत अजीब था, इतना शांत था, इतना चुपचाप था सब कुछ, जैसे कि संडे की सुबह होती है जिस दिन उनकी छुट्टी होती है। तो वो कहता है कि स्कूल का सीन ऐसा था जैसे कि आज वहां पर छुट्टी हो, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, कोई भी वहां पर दिख नहीं रहा था घूमता फिरता हुआ। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैरान था कि आज स्कूल का सीन इतना ज्यादा अलग क्यों है। Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब खिड़की से झांक कर फ्रांस ने अंदर देखा क्लास में, तो उसने क्या देखा, सब बच्चे अपनी सीट पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और उनके जो टीचर हैं M. Hamel वो क्लास में आगे पीछे घूम रहे हैं और उनका जो रूलर है, टेरिबल आयरन रूलर, क्यों बोला है फ्रांस ने, क्योंकि उसे इस आयरन रूलर से डर लगता है, हो सकता है टीचर उन्हें इस आयरन रूलर से हिट भी करे अगर वो गलत काम करेंगे या पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे। तो उनके टीचर ने इस आयरन रूलर को अपनी बाजू के नीचे रखा हुआ था। तो जब फ्रांस ने खिड़की में से झांक कर क्लास में देखा तो वो क्या देखता है कि सब बच्चे अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं और उनके टीचर क्लास में घूम रहे हैं, उनका आयरन रूलर उनकी बाजू के नीचे है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लश्ड का मतलब है फेस टर्न्ड रेड इन कलर ड्यू टू शेम। जब हमें अपने ऊपर शर्म आती है तो हमारे फेस का जो कलर है उसमें थोड़ा रेडिशनेस आ जाती है। ऐसे ही फ्रांस का फेस भी ब्लश कर रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था और उसे गिल्टी फील हो रहा था कि वो स्कूल के लिए लेट है। तो वो कहता है कि मुझे सबके सामने, पूरी क्लास के सामने, टीचर के सामने क्लास का दरवाजा खोलना पड़ा और जब उसने ऐसा किया तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील हो रहा था, उसे अपने पे शर्म आ रही थी और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि आज तो पक्का भैया डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। बट नथिंग हैपेंड, फ्रांस कहता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, We were beginning without you. अब एक और unusual बात हो रही है, something strange, something unusual, कोई ऐसी बात जो कि हमेशा नहीं होती। वो क्या है, उनके टीचर मिस्टर हैमल का बिहेवियर। वो बड़े ही प्यार से, बड़े ही काइंडली फ्रेंड्स को कहते हैं कि जाओ जाओ जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम क्लास शुरू करने ही वाले हैं। तो ये एक और सरप्राइज है फ्रेंड्स के लिए। I jumped over the bench and sat down at my desk. फ्रांस फटाफट से छलांग लगाकर बेंच क्रॉस किया और अपने सीट पे जाकर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered. That he never wore except on inspection and prize days. थोड़ी देर बाद जब फ्रांस थोड़ा नॉर्मल हुआ, जब वो अपने डर से बाहर निकला और वो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा था, तो उसने क्या देखा कि उनके जो टीचर है एम हैमल, उन्होंने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी हुई है। उनकी ड्रेस क्या है, एक ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई है, एक ऐसी शर्ट जिसके ऊपर फ्रिल्स का डिजाइन बना हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने अपनी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई है और सब चीजें एम्ब्रॉयडर्ड हैं। तो ये उनकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खास ड्रेस है जिसे वो हमेशा सिर्फ इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे।
तो फ्रांस ये नोटिस करता है कि उनके टीचर एम हैमल आज अपनी स्पेशल ड्रेस पहन के आए हुए हैं, जिसे वो सिर्फ इंस्पेक्शन या फिर फंक्शन वाले दिन पहनते थे। तो फ्रांस ये सोचता है कि आज ऐसी क्या खास बात है जो कि एम हैमल ने अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है, क्योंकि ना तो आज कोई इंस्पेक्शन है ना तो आज कोई फंक्शन है, तो फिर उन्होंने आज अपनी स्पेशल ड्रेस किस वजह से पहनी है। ये चीज फ्रांस को अजीब लग रही थी, अनयूजुअल लग रही थी। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। सॉलम मीन्स सीरियस, एक गंभीर सा माहौल था। फ्रेंड्स को ये लगा कि सब कुछ आज स्कूल में बहुत ज्यादा अजीब है, कुछ भी वैसा नहीं है जैसे कि हर रोज होता है, और साथ ही साथ सब लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात क्या थी, फ्रेंड्स ने ये देखा कि क्लास की जो पीछे की सीट्स हैं जो कि हमेशा खाली रहती हैं, आज उनके ऊपर विलेज में आकर बैठे हुए हैं। वो सब भी बड़ी चुपचाप स्टूडेंट्स की तरह आकर उस लास्ट बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ये चीज तो बहुत अजीब थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग तो कभी भी स्कूल नहीं आते। फिर वो बताता है कि कौन कौन आया था स्कूल। ओल्ड हॉसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। सो हॉसर क्या है, ये किसी का नाम है, हो सकता है ये उसके विलेज में कोई सरपंच हो, मुखिया हो या कोई फार्मर हो, ये फ्रेंड्स ने हमें स्टोरी में नहीं बताया है, पर ये किसी विलेज मैन का नाम है जो कि वहां पर क्लास अटेंड करने के लिए आया हुआ था, और उसने एक थ्री कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हैट है इसके तीन कोने हैं, 1 2 3, ये है एक थ्री कॉर्नर्ड हैट। आपने देखा होगा कभी मूवीज में जो काउबॉयज होते हैं अमेरिका में, वो लोग भी ऐसी ही हैट्स पहनते हैं। तो ओल्ड हॉसर जो कि आए हुए थे क्लास में, उन्होंने ऐसी तीन कोने वाली हैट पहनी हुई थी। फिर क्लास में फॉर्मर मेयर आया हुआ था, फॉर्मर पोस्टमास्टर आया हुआ था, और ऐसे ही बहुत सारे लोग आए हुए थे। जब वो कह रहा है फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, तो हम ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि सब लोग जो आए हुए थे वो बहुत बड़े थे उम्र में। हम कह सकते हैं कि वो सब लोग रिटायर हुए हुए थे, तो 60-65 साल की उम्र के लोग थे जो कि गांव के रहने वाले थे, और वो सब भी आज क्लास में आए हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थंबड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। प्राइमर इज अ बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, एक ऐसी बुक जो कि लैंग्वेज की स्टार्टिंग बुक होती है, जैसे कि जिसमें अल्फाबेट्स वगैरह दिए होते हैं, और इनिशियली जो लर्नर स्टेज होती है किसी लैंग्वेज की, तब हम जो बुक यूज करते हैं उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसे प्राइमर कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में ABC की जो किताब होती है। Thumbed means torn and damaged, फटी पुरानी किताब। तो यहां पर हमें फ्रांस ये बता रहा है कि सब लोग जो कि क्लास में आए हुए थे, सारे जो विलेज मैन क्लास में आए हुए थे, उनके एक्सप्रेशंस कैसे थे, दुख भरे थे, वो बहुत ज्यादा सैड थे। और जो हॉसर आया हुआ था क्लास में, वो अपने साथ में अपनी प्राइमर यानी के बुक भी लाया हुआ था जो कि फटी पुरानी थी, और उसने उस किताब को खोलकर अपनी नीज पे यानी कि अपनी लैप में रखा हुआ था, और उसके बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे किताब के ऊपर पड़े हुए थे। तो यहां पर हमें फ्रांस ने बताया कि क्लास में जो सब लोग आए हुए थे उनके एक्सप्रेशंस बहुत दुख भरे थे, हॉसर अपनी प्राइमर बुक भी लाया था जो कि फटी पुरानी थी, और उसको उसने अपनी गोदी में खोल के रखा हुआ था, और उसके चश्मे किताब के ऊपर पड़े हुए थे।